नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद थाना इलाके में चली कई राउंड गोलियां। आप कार्यकर्ताओं समाज सेवी कुलदीप चौधरी का नाम लेकर उस पर हमले करने के इरादे से अज्ञात बदमाशों ने चलाई गोलियां। शाम के वक्त अपने प्लाट से घर पहुंचे थे कुलदीप चौधरी। अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाने से पहले कुलदीप चौधरी का नाम लेकर दी गालियां। कई राउंड गोली चलाकर बदमाश हुए फरार। कई की संख्या में आए बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। उत्तरी जिला पुलिस के आला अधिकारी मौके पर जांच में जुटी। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद थाना इलाके के मिलन विहार में बीती रात बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाई और मौके वारदात से फरार हो गए। मामला मिलन विहार का है, जहां पर कुलदीप चौधरी नाम के आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और समाज सेवी की जगह है, जहां वो मंदिर बनवाने का निर्माण कार्य चल रहा था। उसी जगह पर बीती रात 3 से 4 राउंड गोलियां चलाई गई। उसके बाद बाइक सवार 6 की संख्या में आए बदमाश मौके से फरार हो गए। और लोगों की माने तो हमलावर 2 स्कूटी और 1 मोटरसाइकिल पर आए थे, जिन्होंने कोई नकाब नहीं पहने हुआ था। आते ही उन्होंने सबसे पहले कुलदीप चौधरी का नाम चिल्लाकर गालियां दी और मारने की धमकी दी। और उन्होंने दिखाई दिया तो 2-3-4 राउंड गोलियां चलाई और फिल्मी अंदाज में कट्टा लहराते हुए मौके वारदात से फरार हो गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जहां पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से पूछताछ कर तफ्तीश कर रहे हैं। मौके से पुलिस को गोलियों के खाली खोखा भी बरामद हुए। मिलन विहार कुस्ता रोड पर पहले भी कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। इस सुनसान रोड का फायदा उठाकर बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। न्यूज 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह। क्या नाम है सर? सर मैं कुलदीप चौधरी। क्या है पूरा मामला बताया? मैं, ये मेरी पुश्तैनी जमीन है और मैं यहाँ पे माँ अम्बे का मंदिर बना रहा था और शाम करीब 6 बजे मैं यहाँ से चला गया, तो 10:25 पे जो मेरे आसपास सारे किराएदार रह रहे हैं, इसे एक का फ़ोन आया कि इस तरीके से 6 जने 2 स्कूटियों पे 1 मोटरसाइकिल पे आके मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं और फायर कर रहे हैं। तो मैं वहाँ से सीधा यहाँ पे आया, तो मेरे से पहले ही यहाँ पे बीट कांस्टेबल और डिवीजन ASI के वो खड़े मिले और यहाँ पे दूसरे आप हॉल यहाँ पे पड़े हुए मिले। तो मैंने आके फिर 100 नंबर पे कॉल की। तो यहाँ क्या किसी से कोई दुश्मनी? दुश्मनी कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले भी मेरे को फंसाया, मेरे को उम्मीद पे सके। कौन है लोग? कौन है लोग? एक राजीव है, एक लोकेंद्र है, मैं एक समाज सेवी हूँ, एजुकेशन से रिटायर्ड हूँ और इन्हीं का मेरे को शक जा रहा कि इन्होंने ही, या तो वो खुद हो सकते हैं या किसी को भेजे हुए उनसे। मौके पर पुलिस प्रशासन रहा, क्या कार्रवाई रहा अभी तक? पुलिस मौके पर आई और वो अपनी तफ्तीश कर रही है, सारी क्राइम टीम को बुलाया गया है और मौके पे शायद क्राइम टीम भी आ चुकी है अभी। मेरे को अपनी जान माल का इन लोगों से खतरा है। तब क्या कहना चाहते प्रशासन? मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि इन पर उचित कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। ये पहले भी कई बार मेरे साथ इस तरीके से घृणित कार्य कर चुके और अब मेरे को जान से मारने की कोशिश की जा रही है, मेरी रक्षा। क्या कभी कोई कॉल भी आया था इस तरह से? मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जो पहले मेरे को कॉल आई थी राजीव की, जो पहली काफ़ी पहली रिकॉर्डिंग मेरे पास है, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो उसने मेरे को धमकी दी थी, वो भी है मेरे पास। तो कहीं मारू देता तो हम लोग अंदर हुए। आखिर उन्होंने क्या बोल के फायरिंग किया था? कुछ नहीं, गाली दिया था अंकल के नाम से। तो हम क्या नाम लिया था? कुलदीप अंकल का नाम लिया था। गाली दिया तो मैं लगले गाली देते हुए इधर गया तो लगले उधर गया। मैं अंकल को कॉल कर दिए से अंकल ऐसा सा बात हो रहा है, प्लॉट पर ऐसा सा बोल रहा है। तो हम लोग किरायेदार आदमी तो हम लोग को तो बताना अंकल को जरूरी है, सब कुछ भी करेगा तो बता देंगे से क्यों। हम लोग तो रहते हैं उनको प्लॉट में रहते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।